मेरी सहेली आरती की कहानी। शिम्मी की शादी की पहली सालगिरह की पार्टी में जाने के लिए जिगर का देर से घर पहुंचना आरती का मूड बहुत खराब कर गया था। घर में कदम रखते ही जिगर ने सफाई देनी शुरू कर दी। बॉस ने अचानक मीटिंग बुला ली थी, जिस कारण से मुझे देर हो गई। आई एम सॉरी आरती, मैं कुछ कह रही हूँ क्या जो माफ़ी मांग रहे हो आप? आरती नाराजगी भरे अंदाज में उठकर रसोई की तरफ चल दी। जिगर ने सामने जाकर रोका और मनाने वाले लहजे में बोला, अब गुस्सा थूक कर मुस्कुरा भी दो स्वीटहार्ट, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ और हम 5 मिनट में निकल चलेंगे। इतनी देर से पार्टी में मुझे जाना अच्छा नहीं लगता, प्लीज अब मूड ठीक कर भी लो यार। मैं ऑफिस में चल रही घटिया लोगों के कारण वैसे ही बहुत परेशान चल रहा हूँ और तुम भी गुस्सा हो रही हो, मैं पक्का बीमार पड़ जाऊँगा अगर ऐसा रहा। उनकी परेशानी ना बढ़ाने की खातिर आरती ने बात को लंबा नहीं खींचा और बोली, ऑफिस की चिंता करने के साथ साथ कभी कभी मेरी खुशियों का भी ख्याल रखा करो। मैं रखता तो हूँ आरती। अच्छा ठीक है, अब बहाने बनाकर समय बर्बाद करने के बजाय जल्दी से तैयार हो जाओ। गुस्से को भुलाकर आरती मुस्कुराई तो जिगर ने आरती का माथा चूम लिया। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में कदम रखते ही सारे गिले शिकवे भूलकर पार्टी का मजा लेने लगी आरती। कोविड के बाद यह पहली बड़ी पार्टी थी जिसमें लोग शामिल हुए थे। आरती उस पल को जी लेना चाहती थी। जो जानकार थे उनसे हंसी खुशी के साथ मिली। बड़े उत्साह से अपनी पसंद नापसंद चीजें खाने की इच्छा जाहिर कर उसने खूब भाग दौड़ मचाई। जिगर को डांस करना ढंग से नहीं आता था। इस बात की फिक्र किए बिना आरती हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती डांस फ्लोर तक खींच ले गई। यार उल्टा सीधा डांस कराकर मेरा जुलूस मत निकलवाया करो। शादी होने से पहले मेरी खुशी की खातिर तुम डांस कर लेते थे, अब क्यों एतराज करते हो जनाब? मस्ती से नाचते हुए आरती ने मुस्कुराकर पूछा। तब मैं तुम्हें नाराज करने के रिस्क नहीं ले सकता था मेरी जान, और अब मुझे खुश रखने को किसी तरह की कोशिश करना तुम्हें बोर सा लगता है? घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई हूँ मैं। दिल पर चोट लगने का अभिनव करते हुए आरती ने आंखें तरेरी तो जिगर खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो। यू मीन ब्यूटीफुल? यस वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू कहकर आरती ने भीड़ की फिक्र किए बिना प्यार भरा चुम्बन उसके गाल पर दिया। जिगर बुरी तरह से शर्मा गया। यह क्या करती हो, सब देख रहे हैं यार। तो क्या हुआ यार, कुछ काम अकेले में करने होते हैं। ओके पर आई लव यू तो यह कह सकती हूँ ना? यस श्योर, आई लव यू माई डार्लिंग। जिगर का हाथ होठों तक ले जाकर चूमा तो उनका चेहरा फूलों सा खिल उठा। पगली प्यार भरे अंदाज ने उनके मुंह से निकले इस एक शब्द ने आरती के रोम रोम में मस्ती भर दी थी। आरती अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी और जिगर बहुत जल्दी तरक्की करना चाहता था। जिगर का अपने कैरियर के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होना आरती को खलने लगा था। ऑफिस की जिम्मेदारियों के कारण आए दिन देर से घर आना आरती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। शादी के बाद और भी बहुत कुछ बदल गया था आरती की जिंदगी में। पहले अपनी बात मनवाने में आरती को दिक्कत नहीं होती थी, पर प्रेमी से पति बनते ही बदल गया था। जिगर अपने माता पिता के कहने में आकर वो आरती के मर्जी के खिलाफ कुछ करती तो उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता था। उनके बीच की बढ़ती अनबन की खबर आरती के मायके वालों को हुई तो वे सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार समस्याओं का हल करने में लग गए। आरती के मम्मी पापा का समझाना जिगर को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। दिलों के बीच दूरियां बढ़ने से आरती की जिंदगी में से रोमांस मरता जा रहा था। खुद को आरती कभी कभी इतना ज्यादा फंसा हुआ महसूस करती थी कि विवाहित जिंदगी बहुत बड़ा बोझ लगने लगा था उसे। शादी को लेकर जो रंगीन सपने देखे थे आरती ने, उनका टूटना उसके मन को बहुत अखरता। जिगर के व्यवहार और नजरिए में आए परिवर्तन को लेकर उसकी शिकायतें रोज रोज बढ़ती जाती थी। जब झगड़ा करने की ताकत अपने अंदर महसूस नहीं करती तो लंबे समय के लिए जिगर से बोलचाल बंद कर देती थी।
करीब 3 महीने पहले अपनी शादी की पहली वर्षगांठ पर वो खफा होकर अपने मायके में रहने चली गई। अपनी नाराजगी दिखाते हुए जब जिगर आरती से मिलने गया तो उसका चेहरा भी तना हुआ था। आरती के मम्मी पापा ने जोर डालकर जब दोनों को बाहर घूमने भेज दिया तो इत्तेफाक से वो दोनों उसी पार्क में घूमने पहुंचे जहां करीब 1.5 साल पहले जिगर ने आरती को शादी करने का प्रस्ताव रखा था। पार्क में कदम रखते ही वो दोनों उस खास दिन के सुखद यादों में एकदम खो बैठे। जिगर एक घुटने जमीन पर टिकाते हुए आरती के सामने बैठ गया और बड़ी ही रोमांटिक अंदाज में उसने आरती का हाथ चूम कर पूछा था, मेरी जिंदगी में अपार खुशियां भरने के लिए क्या तुम मेरे साथ फेरे लेने को तैयार हो? उस दिन अपने प्यार को साक्षी बनाकर वो दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अपने विवाहित जीवन में अपनी खुशियों को हमेशा बरकरार रखेंगे। वो प्रपोज करने वाले दिन की यादों के संसार से तब उभरी जब जिगर ने भावुक होकर आरती से पूछा, हमारी जिंदगी में सब कुछ इतना गलत क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें अब भी बहुत प्यार करता हूँ, पर हम एक दूसरे से इतने दूर क्यों होते जा रहे हैं? जिगर की आंखों में छलक आए आंसुओं को देखकर आरती को झटका सा लगा। आरती ने उनके सवाल का जवाब देने की कोशिश कई बार की, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अचानक ही उसका भी नियंत्रण टूट गया और आरती की आंखों से भी आंसू बह निकले। जिगर ने बाहें फैलाई तो उनकी छाती से लगकर आरती जोर से रो पड़ी। जिगर के आंसू पोंछते हुए आरती ने उस शाम मन ही मन यह महत्वपूर्ण संकल्प किया कि जिगर के प्रति बहुत तीव्रता और ताकत से उठ रहे खुशी और प्यार के एहसास को भविष्य में कभी मनने नहीं दूंगी। जो उनके विवाहित जीवन की खुशियों को तबाह कर रहे थे, वो भविष्य में उन हालातों के गुलाम बनकर जीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आरती के इस संकल्प ने उसकी जिंदगी और उसके नजरिए और व्यवहार को पूरी तरह से बदल डाला था। किसी भी कीमत पर जिगर के साथ अपने संबंध अच्छे रखकर आरती अपने विवाहित जीवन की खुशियों को बनाए रखना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। किसी कारण अगर नीरज नाराज हो जाता तो आरती जल्दी से जल्दी उचित अवसर ढूंढकर उसे मनाने से नहीं चूकती थी। जिगर की नाराजगी की फिक्र अपने हाव भाव से ऐसा दर्शाकर उनके अहम को ठेस पहुंचाने की नासमझ अब वो नहीं दिखाती थी। शिकायत, नाराजगी और रूठना मनाना तो खैर उसकी जिंदगी में हमेशा चलता ही रहा, पर इन सब के कारण वो अपनी खुशियों को ग्रहण नहीं लगने देती थी। नीरज के साथ बिताए पलों से निकल रहे हर खट्टे मीठे अनुभव का भरपूर आनंद लेती थी। पार्टी वाले इस रंगीन रात का भरपूर फायदा उठाने के लिए आरती ने अपनी सहेली सिम्मी और उसके पति से जल्दी विदा ली और घर लौट आए। नीरज की आंखों में नजर आ रहे मौज मस्ती के भाव साफ कह रहे थे कि उस रात मेरे जल्दी सो जाने का कोई चांस नहीं था।